If R 5, 6 is the midpoint of the line segment AB joining the points A and B, then we have to find the value of y. तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है. ओके, मान लेते हैं ये वो दो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ज्वाइन करना है. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ ए एंड दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट विच इज़ बी. एंड जो मिड पॉइंट है वो है आर. आर के कोऑर्डिनेट्स 5, 6 गिवन हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 6, 5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हैं 4, y. ओके, बोला गया है आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और इस सिचुएशन में जो ये वाई वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है. तो आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला मालूम होगा. ओके, चलिए मिड पॉइंट फार्मूला से इसको करते हैं. इस ए के पॉइंट्स को, ए के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स वन एंड वाई वन अज्यूम करेंगे. बी के कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स टू एंड वाई टू अज्यूम करेंगे. और ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स एंड वाई अज्यूम करते हैं. ठीक है ना, देख लिया आपने. ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन है, बी के एक्स टू वाई टू है एंड आर के एक्स एंड वाई हैं. ठीक है, अब मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि वाई इज़ इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू होता है. मैंने वाई, याद होगा मैंने वाई थोड़ी देर पहले 6 को अज्यूम किया था, वाई वन मैंने 5 को अज्यूम किया था एंड वाई टू की वैल्यू वाई है अपॉन टू. सॉल्व करते हैं. 6 टू टाइम्स इज 12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई. अब ये 5 जाएगा लेफ्ट साइड में, सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 माइनस 5 इज़ द वैल्यू ऑफ वाई. सो हमें वाई की वैल्यू मिल जाती है 7 है. कोई ऑप्शन है 7? यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई होप इट इज़ क्लियर.